गोरखपुर सहित कुशीनगर और संत कबीर नगर के लोगों को रसोई गैस के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ के लोगों को सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब सिटी गैस वितरण योजना के अंतर्गत इन लोगों के घरों में सीधे रूप से पाइपलाइन से रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी, जो गैस ईंधन के रूप में खर्च को कम करेगी, साथ ही साथ पर्यावरण को प्रदूषण से होने से भी बचाएगी। इस बात की जानकारी गुरुवार को गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। सीएम योगी ने कहा कि टोरेंट गैस वितरण एजेंसी द्वारा तीनों जनपदों में कई स्टेशन बनाकर वाहनों में सीएनजी गैस की सप्लाई की जाएगी, साथ ही जो औद्योगिक इकाई इसे प्रयोग में लेना चाहेगी उन्हें भी सप्लाई दी जाएगी। इस संबंध में सीएम योगी ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई सौगात दी है, जिसमें एक साथ गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर को पहले चरण में सीएनजी, पीएनजी आदि नेचुरल गैस की सुविधा से युक्त करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ होगा, यह पर्यावरण हितैषी भी है और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक उत्तम व्यवस्था है। पाइप नेचुरल गैस की आपूर्ति होने से रसोई गैस के सिलेंडर के लाने ले जाने की जो समस्या है इसका भी समाधान होगा और लोगों को घर घर में बैठे हुए रसोई गैस की आपूर्ति करने में जहां पीएनजी के माध्यम से मदद मिलेगी, इसमें गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर को पहले चरण में लिया जा रहा है। इसके लिए टोरंटो गैस लिमिटेड को इसका कार्य दिया गया है, उनके द्वारा मैपिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है और बहुत शीघ्र यह कार्य जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। यह सस्ता भी है, पर्यावरण हितैषी भी है और स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम भी है। दूसरा, उद्योगों के लिए और वाहनों के लिए सीएनजी की व्यवस्था। आप सब जान रहे हैं कि खासतौर पर सर्दी के समय देश के अंदर तमाम शहर इतने ज़्यादा स्मॉग की चपेट में आ जाते हैं कि लोगों की वहाँ दम घुटते हुए दिखाई देते हैं। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण हितैषी उपाय करने के सामने जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें भारत सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण पहल है, उसी पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में आज एक कदम यहाँ पर उठाया गया है। इसमें यहाँ पर कई ऐसे स्टेशन स्थापित होंगे जिसमें सीएनजी की आपूर्ति न केवल हम लोग वाहनों के लिए करेंगे अपितु जो उद्योग अपने यहाँ संचालित होने के लिए सीएनजी का उपयोग चाहेंगे वहाँ तक भी सीएनजी की आपूर्ति कराने की व्यवस्था होगी। जैसे हम गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पर नेचुरल गैस के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है और उसके साथ ही हम गोरखपुर महानगर को लेंगे, गोरखपुर के अन्य आसपास के जितने भी नगर निकाय हैं, गांव हैं, उसको भी हम इससे लेंगे। यह सामान्य जन के लिए सस्ता भी है, उपयोगी भी है। प्रधानमंत्री जी को एक साथ नवी बिल्डिंग में गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के कई शहरों को लेने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। दसवीं बिल्डिंग में भी उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं, कई कस्बे हैं और उनका भी शीघ्र ही मैपिंग का कार्य और फिर उस पर जमीनी धरातल पर उनका कार्य भी प्रारंभ होगा। इसके लिए